खबर डबरा से है, जहां निजी भूमि पर दबंगों द्वारा किए गए कब्जे को पुलिस टीम के साथ हटाने पहुंचे नायब तहसीलदार अनिल नरवरिया पर अतिक्रमणधारियों ने हमला कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और लाठी चार्ज कर मौके से अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा। घटना में एक महिला रक्षक भी घायल हुई है। जानकारी के अनुसार अनुविभाग के भरौली गांव में अतुल गुप्ता व भगवान लाल कुशवाहा के बीच 2 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। कुशवाहा समाज के लोगों का कहना है कि यह उनकी पुश्तैनी जमीन है, जबकि अतुल गुप्ता कागजी तौर पर जमीन को अपना बताकर अतिक्रमण मुक्त करने की मांग कर रहे हैं। शिकायत के आधार पर पिछौर नायब तहसीलदार अनिल नरवरिया पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने जमीन पर पहुंचे तो मौके पर मौजूद कुशवाहा समाज के लोगों ने प्रशासन की टीम पर हमला कर दिया। हमले में एक महिला आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गई है। वही मामले में राजनीति होने के कारण पुलिस आरोपियों पर मामला भी दर्ज नहीं कर पाई है। पूरे मामले की जांच डबरा SDOP विवेक शर्मा के द्वारा की जा रही। किशोर से जो है एक आवेदन जो है गुप्ता जी है नंद किशोर गुप्ता, वो एक आवेदन लेके आए और उनका कहना यह है कि उनकी जमीन उन्होंने क्रय की है, उनको विधिवत तहसीलदार द्वारा कब्जे दिया गया और इसके बावजूद भी कुछ लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं और उन्हें खतरा है, तो इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जाए। इस संबंध में उक्त आवेदन पर से SDOP डबरा को जांच दी गई है, उनके द्वारा कार्रवाई जांच कर प्रतिवेदन मांगा गया। विवाद का वीडियो भी आया था, उसमें पुलिस बल भी ये तो मेरा आपके माध्यम से ये भी मालूम पड़ा है मेरे को कि वहाँ पर कोई विवाद भी हुआ, तो इसकी भी जाँच SDOP साहब से डबरा SDOP से करवा। डबरा से दीपक तिवारी की रिपोर्ट।